नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर विधान परिषद सदस्य चुने जाने पर जनपद के प्रथम आगमन पर विधान परिषद सदस्य शाह आलम गुड्डू जमाली का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी और लोकसभा लालगंज सपा प्रत्याशी घोषित होने पर दरोगा प्रसाद सरोज का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली को MLC चुने जाने पर और दरोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को मजबूती मिली है। नवनियुक्त प्रदेश सचिव राधेश्याम सैनी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार से तंग आकर जनता PDA की सरकार बनाने जा रही है, जिससे संविधान व लोकतंत्र की रक्षा हो सके। विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई दी और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत का बीज बोकर जनता के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम कर रही है। देश में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक, मुसलमानों व शोषित पीड़ितों व वंचितों की घोर विरोधी है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके और जनता को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, उसे मैं सूद सहित वापस करने का प्रयास करूंगा और पार्टी को आजमगढ़ में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में मजबूत कर जीत दिलाने का काम करूंगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। तरफ क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत कुछ बाहर की नहीं नहीं मैं बहुत प्लेनली आपको एक सवाल आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखो, आजमगढ़ में तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं, बात कोई कुछ भी करे, आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा एक क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट जमीन पे नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंट बना है, ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80-80 जीत लेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पा रहे। देखो दिनेश भाई, हमारे माननीय सांसद, मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का, वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले भाई, हम बोलने पे किसी के लोग रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, मगर यही सच्चाई है। नहीं, अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। आपकी तो बातचीत हुई है। नहीं, अब देखिए, अब हम जो चीज़ नेतृत्व का है उसमें हम लोग ना बात करें तो अच्छा है। ठीक है, की राजनीति के बारे में आप बात कर लिए, पुराने दल के बारे में प्लीज मुझसे बात ना करें। यस यस ऑफ कोर्स। नहीं है, क्यों नहीं, सारे लोग हैं, जो भी समाज के अच्छी सोच समझ के लोग हैं वो सब हैं। हमारे यहाँ छत्री भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, सारे लोग हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो समाज का कमजोर तबका है, जो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे या आर्थिक आधार पे, इन आधारों पे जिसका तुष्टिकरण या जिनको जुल्म जातियों का शिकार है, उसके लिए एक फोरम बना के सभी लोग लड़ेंगे। उसमें हमारा छत्री भाई सबसे पहले लड़ेगा, ब्राह्मण सबसे पहले लड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि हब और आप सिर्फ लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। क्या मैं सुन नहीं पाया? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो देश के जहाँ चाहे रैली करें, उसमें हम कौन होते हैं उनको टीका टिप्पणी करने वाले। भैया देखो, ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की व्यवस्था है,
यहाँ जो चाहे जहाँ जाके रैली करे। मान कल हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में जाके रैली करना चाहेंगे तो उनको तो कोई रोकेगा नहीं। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जहाँ चाहे करे। लोकसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र संविधान है, क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे हैं। ये क्यों आप कह रहे हैं कि ये क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे हैं और इसी बात की जंग है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।